हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। आप सब लोगों का एक और नई वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पर, मैंने छोटी बैटरी ली है, लेकिन सेम चीज़ सेम जो जो मैं कर रहा हूँ वो आप किसी भी बैटरी के साथ कर सकते हैं। अगर आपकी इन्वर्टर वाली बैटरी है, अगर आपकी पैनल वाली बैटरी है, आपकी बाइक वाली बैटरी है, कोई भी बैटरी है, हर बैटरी के साथ ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, इस ट्रिक में बैटरी के हिसाब से खर्चा आएगा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 रुपए खर्चा आएगा, वो भी बड़ी इन्वर्टर की बैटरी में। लेकिन अगर बैटरी छोटी होगी तो खर्चा कम होगा, ऐसे 10-20 रुपए का। तो दोस्तों, मैं नहीं चाहता कि आप अपनी बैटरी को ख़राब मान लें, मतलब उसकी तारीख देख के उस बैटरी को ख़राब ना माने। तो आज की ये बैटरी जो है, ये जो मेरी वीडियो में मैंने जो बैटरी लगाई है, ये पारस कंपनी की है। इसकी एक साल गारंटी आती है और 1550 रुपये इसकी कीमत है, लेकिन ये 1.5 साल चल चुकी है। मैं चाहता हूँ कि ये और चलाया जा सकता है, या फिर चलेगी या फिर नहीं चलेगी, तो मैं इसके साथ छोटा सा खिलवाड़ करूँगा इस बैटरी के साथ, देखते हैं क्या करूँगा। लेकिन आप लोग इस वीडियो को पूरा स्टेप बाई स्टेप देखते रहिए, जो जो मैं करने वाला हूँ बोलूँ वो भी आप लोग भी इस मतलब अपनी बैटरी के साथ कर सकते हैं, लेकिन सही बैटरी के साथ ना करें। अगर वो बैटरी सही बैकअप दे रही है, सही चल रही है, तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर बैटरी आपको लग रही खराब हो गई, अब हमें लेना पड़ेगा, और अगर 2-3 महीने काम चल जाए तो बहुत अच्छा है। दोस्तों, ये बैटरी आप देख सकते हो यहाँ पर मेरे पास ही, ये जो है। तो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कि कैसे बैटरी को सही करना है, ठीक है। तो पूरा इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए, बहुत कम खर्चे में आज की इस वीडियो में आपका सेटअप तैयार हो जाएगा और आपको जानकारी हो जाएगी हमेशा के लिए। दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले तो आपको इस टाइप का एक ग्रेविटी मीटर खरीदना होगा, जिसकी कीमत मात्र 40 या 50 रुपए के आसपास है, और इसको समझना होगा। समझने के लिए आपको यहाँ पर जो है, इसमें 1100 से लेकर 1300 तक की ग्रेविटी के नंबर इस पे दिए हुए हैं, अंदर वाले उस पे, ठीक है। जहाँ पर पानी ठहर जाता है वहीं उतनी ग्रेविटी बैटरी की मानी जाएगी। तो फिलहाल तो ये 0 दिखा रहा है, बिल्कुल अंदर वाला पारा नहीं उठ रहा है। लेकिन अगर हम एक चार्ज बैटरी की ग्रेविटी चेक करें, जैसे कि हमारे यहाँ दुकान की बैटरी है, तो अगर हम इसकी ग्रेविटी चेक करें तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो हमें नज़र आ रही है 1150। तो ये बैटरी जो है अभी डाउन है, मतलब इन्वर्टर जितने पे चार्जिंग छोड़ देता है उतनी ग्रेविटी है, और बिल्कुल 0 ग्रेविटी होती है तो 1100 होती है, और बैटरी फुल चार्ज होती है तो 1250 होती है। 40 से 50 रुपये का ये मीटर होगा। लेकिन अगर हमें बैटरी को चेक करना, तो सब सेलों की ग्रेविटी चेक करना होगी। दोस्तों, इसकी भी 0 है, ठीक है, हम इसको वापस कर देते हैं और यहाँ से दबाना है, और इसकी भी 0 है दोस्तों, ठीक है, हमें इसको कर देना है। और दोस्तों, हमने इसकी चेक करी तो इसकी भी ग्रेविटी दोस्तों 0 है। स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो हमारी यहाँ पर जो निकल कर आ रहा है वो ये आ रहा है कि बैटरी की बिल्कुल ग्रेविटी 0 है, ठीक है, बिल्कुल नील नील बोल सकते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें समझा जाएगा कि पानी की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा ज़्यादा। लेकिन हमारे पास ये एसिड जो हम खरीद कर लाएँ, किसी भी दुकान पर जाना है आपको, ये पुरानी बैटरी आती है बेचने के लिए, उससे जो एसिड निकलता है, जो लौट लेते हैं हम लोग, वो एसिड टैंक में भर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास, हमने 1 लीटर लिया है, तो ये एसिड की ग्रेविटी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर इसकी ग्रेविटी दोस्तों आ रही है 1160। तो इस 1160 ग्रेविटी का हमें इस्तेमाल करना है, और इस बैटरी को हमें क्या करना है, ऐसे ही आपकी बड़ी बैटरी भी हो सकती है, इन्वर्टर वाली बैटरी भी हो सकती है, कोई बैटरी हो सकती है, ठीक है, इसको लौट देना है, ठीक है, इस टाइप से। चाहे इस टाइप की बैटरी हो, चाहे इस टाइप की बैटरी हो, चाहे ट्रैक्टर वाली बैटरी हो, कोई सी भी बैटरी हो, ठीक है दोस्तों। तो हमने इसको लौट लिया है, हम हिला लेंगे ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा हिलाना नहीं है, आराम से रखना है और आराम से लौटना है। और दोस्तों, यहाँ पर ये जो है बैटरी, आप आराम से, मैं इसलिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब हम एक पीक लेंगे, या आप किसी भी ऐसी चीज़ के माध्यम से, जैसे बोतल वगैरह गाँवों में होती हैं, तो नो प्रॉब्लम। और इसको जो है आप आराम से, हम छोटी वाली पीक ले लेते हैं, और ये 20 से 30 रुपये लीटर मिलेगा, ज़्यादा महंगा नहीं मिलेगा दोस्तों। इस टाइप से हमें डालना है सब सेलों में। मेरे लिए फ्री का है तो ये गिर रहा है, मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन आपसे नहीं गिरेगा 100%। और हमें सब सेलों में बराबर डालना है, अगर 1100 ग्रेविटी का हो तब भी चल जाएगा, 1150 ग्रेविटी का हो तब भी चल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा ग्रेविटी ना हो, क्योंकि चार्ज होने के बाद ऑटोमेटिक उसकी ग्रेविटी 1250 आ जाएगी दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हो, तो अब हमने डाल चुके हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, हम इसकी अपनी पोजीशन पर रख लेते हैं इसको, और थोड़ा थोड़ा अभी कम है मेरे हिसाब से, तो थोड़ा थोड़ा अभी और डालना होगा हमें। तो हम जो है दोस्तों, एक सेल में थोड़ा सा कम है, तो हम इसमें डाल लेते हैं थोड़ा और, हमने फुल हो गया। अब दोस्तों, हम इसकी ग्रेविटी एक बार चेक कर लेते हैं,
ठीक है दोस्तों, 1150 ग्रिफ्टी इसकी आ चुकी है, मतलब सब सेलों की 1150 ग्रिफ्टी आ चुकी है। अब हमें क्या करना है, अब आप लोग देखिए दोस्तों, अगर ये बैटरी मैं इसलिए बता रहा हूँ कि बिल्कुल ये डेड है, मतलब 9 वोल्ट आ रहे थे 8 वोल्ट, अब आपको इस पे जो है, अब मैं आपको दिखाता हूँ अभी रोक के थोड़ा सा दोस्तों। अब हमने क्या किया है कि इस बैटरी को जो है चार्जिंग पे लगा दिया, चार्जिंग पे हमारे पास ये वाला चार्जर है, ये 18 एम्पीयर चार्जिंग कर रहा है, ठीक है दोस्तों, ये इस टाइप का। और यहाँ पर 3 बैटरी अभी लगी हुई है और 18 एम्पीयर चार्जिंग कर रहा है, बैटरी खोलने लगी है। बस आपको कुछ नहीं करना है, 18 से 20 एम्पीयर या फिर 100 वाट पैनल से लगभग 12 से 14 घंटे इसको चार्ज करना है और आपकी 100% बैटरी वर्किंग करेगी, 100% दोस्तों। ये मेरा एक्सपीरियंस आज का नहीं है, बहुत टाइम का है और मैं अक्सर यही करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो आप, इन्वर्टर बैटरी की शॉप है। जो भी नॉलेज होगी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, और इंस्टाग्राम की आईडी टेक्निकल मदार के नाम से जाएं, फॉलो करें सब, और उस पर भी मैसेज वगैरह भेजें। जय हिंद दोस्तों, और ये ट्रिक जरूर अजमाएं, अपने पैसे को फालतू जाया ना करें दोस्तों।